चलो चले पहले। मेरे एग्ज़ाम हुए 12th के, बहुत टाइम बीत चुके हैं। मैंने डिसाइड करा कि मैं मेरी बहन के साथ दिल्ली जाऊंगी। हमारे सामने लगी हुई थी ट्रेन, सप्त क्रांति, हम मुजफ्फरपुर पहुंच चुके थे और वो लॉक थी। फिर उसके बाद अनलॉक हुई, फिर हमने एंट्री लिया उसमें, फिर वहाँ से निकल पड़ी मुजफ्फरपुर जंक्शन से हमारी ट्रेन। एंड यहाँ पे बबाई करती हुई, हेवी हार्ट लेकर के निकलती हुई, बिकॉज़ आई रियली मिस माई मॉम, सी इज़ क्राइंग फॉर मी। एंड उसके बाद में ये भैया ने ला के दी ब्लैंकेट्स एंड शीट्स दी, टॉवल दी, पिल्लो दी, बिकॉज़ इट्स अ 3-tier AC। तो आप लोगों ने अगर ट्रैवल करी होगी तो आप लोगों को पता है कि 3-tier में। उसके बाद काफ़ी सारे नज़ारे लेते हुए विंडो के पास बैठ करके, और उसके बाद आया हमारा कुमारबाग स्टेशन, जहाँ पे हम बचपन में आकर के 4 बजे भोर में उतरा करते थे, और वहाँ पे हमें मामू लेने आया करते थे, बहुत ही अच्छा मेमोरी। और फिर वहाँ से हम पैदल जाया करते थे दौड़ दौड़ के, बहुत मज़ा आया करता था मेरे मासी की बेटी के साथ, और काफ़ी मज़ा आता था। तो देख के बहुत अच्छा फील हुआ, बिकॉज़ बहुत टाइम हो चुके हैं गए हुए। फिर उसके बाद हम बहुत सारे स्टेशंस को क्रॉस करती हुई, बहुत सारे ब्रिज को हमने करा क्रॉस, और ये गंगा रिवर है आई थिंक, एंड बहुत अच्छा इस पर दिख रहा था सन। उसके बाद मैंने खाई थोड़ी सी चिप्स, बिकॉज़ मम्मा ने मना की थी, पर मैंने चुपके से बस एक ही लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया जंक फूड। और आप लोग देख सकते हो सनसेट का व्यू कितना प्यारा है। फिर उसके बाद रात हो गई, और उसके बाद में मम्मा का कॉल आया, सी सो मच क्राइंग यार वाई, और हम दोनों बहन यहाँ पे लेटे हुए मम्मा को याद करती हूँ। फिर ये DJ वाली लाइट क्यों जल रही थी भाई रात को। एंड उसके बाद में फिर सुबह हो गई, मैंने सोचा मैं नींद में थी तो चाय पी लेती हूँ ताकि थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, पर ये बहुत ही बुरा था भाई, मेरी मूड ख़राब हो गई। उसके बाद हम बस आनंद विहार को पहुँचने ही वाले थे, बस ज़्यादा टाइम नहीं थे। अब गाज़ियाबाद हम एंट्री ले चुके थे, एंड यहाँ इधर काफ़ी सारे ब्रिज देखने लगे बड़े बड़े। एंड उसके बाद में मैंने देखा यहाँ से ट्रेन को मुड़ते हुए, फिर ये देखो आनंद विहार टर्मिनल आ गया, मुझे बहुत खुशी मिली। फिर उसके बाद पहले ही लोग सारे लोग पूरे जाम लगा दिए और बाहर निकलने के लिए, फिर हम बाहर निकल गए और फिर हम जाने लगे दोनों बहनें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, आई कांट टेल यू माय गॉड। मैं ये सेकंड टाइम था जो मैं आई थी यहाँ दिल्ली। अगर तुम लोगों ने मेरी व्लॉग नहीं देखी पिछले वाले, तो मैं लिंक ऐड कर दूँगी, तुम लोग देख लेना। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सीरियसली, अगर आप अपने सामान की सुरक्षा खुद ना करें तो सब खो जाए। और यहाँ पे गार्डन एरिया भी बनाई हुई थी, फिर उधर साइड में मेट्रो स्टेशन भी थी, बिकॉज़ यहाँ पे रेलवे स्टेशन है तो काफ़ी लोग मेट्रो लेके जाते होंगे। और ये रहा ओवरऑल लुक आनंद विहार टर्मिनल का, बाहर से काफ़ी अच्छी दिखती है। उसके बाद में मैंने मैं 8-8 बजे उतर गई थी, बाहर आई तो टाइम लग गया, और फिर उसके बाद कैब की वेट कर रही थी, तो फाइनली हमारा कैब आ गया एंड हम वहाँ से निकल पड़े फटाफट से, बिकॉज़ घर जाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी भाई, और मैं ऐसे हिल रही थी। फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखती हुई मैं मज़े लेती हुई गई यहाँ से। एंड उसके बाद गौर सिटी में हमारा एंट्री हुआ, ग्रेटर नोएडा हम आए। उसके बाद में मैंने देखा गौर सिटी मॉल, जो कि काफ़ी बड़ी थी। एंड यार मैं वहाँ पे विज़िट करने जाऊँगी, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि तुम लोग देख पाओगे मेरी व्लॉग्स को। मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने वाली हूँ अभी, एंड यार मिनी व्लॉग्स चैलेंजेस करने वाले, तो तुम लोग को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। फिर और यहाँ पे हम दोनों बहन, और फिर उसके बाद में हम जाते हुए, तो इस जगह को हम एक मूर्ति कहते हैं, और यहाँ से सुबह की सनलाइट तो बहुत ही अच्छी होती है ना, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यू कैन सी कि सुबह सुबह का फेस कैसा था मेरा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय माई सब्सक्राइबर्स।